हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पूजास कॉर्नर। मैं हूँ पूजा, आ गई हूँ आपके पास। तो आज है दिवाली, तो दिवाली की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब खुशी खुशी रहें। और आज ये दीपों का त्यौहार जो सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आता है, तो आज सबका दिन, मतलब आज नहीं कहूँगी, आज के बाद सबका दिन बहुत अच्छा होना चाहिए और सब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाए। मतलब सभी खुशियाँ सबके जीवन में आ जाएं, किसी भी प्रकार का किसी को दुख ना हो, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि सबके जीवन के हर कष्ट दूर हो जाएं, है ना। तो ये जो त्यौहार हम मनाते हैं, तो त्यौहार भी मनाने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, है ना। बीच बीच में जब हम कोई कोई चीज़ें करते हैं, कोई कोई मतलब एक कुछ भी करते हैं घर पे, तो उससे क्या होता है, हम अपनी फैमिली के साथ मिलके एक नई नई उमंग के साथ कोई काम करते हैं, तो उसका उत्साह ही अलग होता है ना। तो ऐसा ही ये दिवाली का भी त्यौहार है। जैसे कि कहते हैं ना कि जिस तरीके से जो वो दिया होता है ना, जो दीपक होता है, उस दीपक से हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो मतलब जलकर भी सबको रोशनी देता है। वैसे ही हमें हमेशा, हम चाहे जितने भी कष्ट में हों, दुख में हों, लेकिन हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे कारण किसी को तकलीफ ना हो, है ना। एक बार ऐसी आप कोशिश करके देखिए, हमेशा दुनिया आपसे खुश नहीं रहेगी, है ना। मतलब मैं भी ये चीज़ जानती हूँ कि आप चाहे कितना भी अच्छा काम करते रहेंगे, तो हमेशा आपसे दुनिया खुश नहीं रहेगी। आपकी 100 अच्छाइयाँ एक तरफ हो जाती हैं, एक बुराई ही सबके सामने आ जाती है। उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए कि हम ये सोच लें कि नहीं, वो ने उसने तो मेरी अच्छाइयों को नहीं देखा, मेरी बुराइयों को देख लिया। नहीं, जाने दो ना, क्या करना है। आप अच्छा करिए, किसी के सोचने नहीं सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, है ना। तो हमेशा हमें उस दिए से यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो जलता तो है, देखिए वो जलता है, लेकिन रोशनी पूरी दुनिया को दे रहा है ना। सब अपने घर में दिया जलाएंगे, सबका घर जगमगाएगा, सबको रोशनी मिलेगी, तो वो सबको रोशन कर देता है। उसी तरीके से हमसे जितना हो सके उतना हमें अच्छे काम करते चलना है। तो आज चिल्ड्रंस डे भी है, तो यदि यदि मेरे बच्चे, मतलब मेरे स्कूल के बच्चे या वो बच्चे जिनको मैं पढ़ाती हूँ, वो बच्चे यदि मेरा आज वीडियो देख रहे हैं, तो बच्चों आप सबको हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आप लोग बहुत अच्छे से चिल्ड्रंस डे मनाइए। एक पहला चिल्ड्रंस डे ऐसा है जो शायद भगवान ने ऐसा सेट कर दिया कि आपको दुख दुख ना हो कि आप स्कूल नहीं गए, टीचर्स के बीच में नहीं हो, इसीलिए आज दिवाली का त्यौहार भी उसी दिन इंक्लूड हो गया है ना। तो आज सब अपने घर में और ज़्यादा खुशी होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे। तो बच्चों आप लोगों को अगेन हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आप सब लोग बहुत अच्छे से चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करिए दिवाली के साथ, तो यही सब आशा करती हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बार बार कह रही हूँ कि आप यदि कोई भी काम करना शुरू कर रहे हैं, मैं ये चीज़ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं अभी अभी मेरे को ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें सुनने मिलती रहती है। मेरे पीठ पीछे बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं मेरे लिए कि पता नहीं कि क्या काम करती रहती हैं, क्या ये वीडियोस बना के यूट्यूब पे डालती रहती हैं। इवन कुछ लोग तो ना, मतलब आसपास के लोग भी ऐसा बोल देते हैं, तो बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। वो हमें कह रहे हैं ना, इसका मतलब कि हम जो कुछ गलत करेंगे तो वो मुझे सावधान करने की कोशिश करते हैं, तो उससे हमें नहीं घबराना। और एक बात और ध्यान रखिए, जब आप कोई काम करते हो तो एक गाना हमेशा अपने दिमाग में रखा करिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। उनको कहने दीजिए, बस आप गलत मत करिए। आप गलत नहीं करेंगे तो उनको जो चाहे जो मर्जी हो बोलने दीजिए, बस आप सही करिए और अपने रास्ते पे चलते जाइए। एक समय आएगा जब वो खुद बोलेंगे कि नहीं, वो अच्छा काम कर रही थी, ठीक है। तो ये तो कुछ चीज़ें थी मैंने जो शेयर कर दी, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें सुनती रहती हूँ और पता चल जाती ना, कहते हैं ना कि वो उससे बोला और लास्ट में जाके उसी के पास पहुँच जाती जिसके बारे में बोला गया है। इसलिए कोई बात नहीं, मुझे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और
और एक चीज़ और, कोई वर्किंग लेडी है यदि यदि वो कहीं पे भी काम कर रही है तो वो ये सब चीज़ बिल्कुल भी नहीं सुन के उस परेशान होती, क्योंकि वो जानती है कि लोगों का काम है कहना तो कोई बात नहीं, आज दिवाली के अवसर पे वैसे भी हम सबको खुशी रहना चाहिए, और उन लोगों को भी मैं आज दिवाली की ढेर सारी बधाइयाँ दे रही हूँ जिन्होंने मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें बोली है। पर कोई बात नहीं, अच्छे से बोलिए, खूब बोलिए, जितना मन करे उतना बोलिए, लेकिन आप मेरे चैनल को यूं ही वॉच करते रहिए, देखते रहिए, है ना। तो ठीक है, आज बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हैं पर मैं वहाँ पे आई नहीं आपसे बात करने, उसके लिए सॉरी। और आज सुबह मैंने साड़ी वेयर की थी तो येलो कलर की साड़ी आज मैंने सुबह सुबह पहनी थी, के आई तो फिर खाना वाना बनाना जब स्टार्ट किया तो फिर मैंने चेंज कर लिया, सूट पहन लिया, और अब मैं जाऊंगी रंगोली बनाने, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो वो सब कुछ आप लोग देखिएगा। ये देखिए मेरी रंगोली लगभग ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, और कैसी लगी आपको बताइएगा, कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा। एक्चुअली क्या, मैंने इनसे कलर मंगाए थे, इनको जो जो समझ में आए लेके आए थे, तो मैंने बस इन्हीं कलरों से बना दी है, और दूर से तो बहुत अच्छी लग रही थी, पास से थोड़ी गलतियाँ दिख रही थी, तो कोई बात नहीं, साल भर में एक बार बनानी होती तो इतने परफेक्ट तो है नहीं, फिर भी चलो काम चल जाता है ना। तो ये रंगोली रंगोली बन चुकी है, ये लगभग 7 बजे का समय है, और अब दिए जलाने थे और पूजा आरती हो चुकी है। इस बार पूजा बहुत ही सिंपल तरीके से हुई क्योंकि थोड़ा सा परिवार में गम था, मतलब 3-4 महीने पहले ऐसा कुछ हो गया था जिसके कारण ना अभी भी हम लोग को कहीं ना कहीं मन में वो चीज़ें तो हैं ही, परिवार की बातें कभी भूल नहीं सकती हैं, परिवार में एक बहुत बड़ा दुख की घड़ी आई थी, तो कोई बात नहीं, जो इस दुनिया में आया है उसको एक दिन जाना ही है, पर तकलीफ़ तो होती है, और ये मेरी सासू माँ हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो इस तरीके से हम लोगों ने दिवाली मनाई। तो ठीक है, दिवाली का त्यौहार ही आता है दीपों के साथ हमें नई शिक्षा देने के लिए,
तो अभी दिया जल रहा है यहाँ, ये पापा का कमरा है ससुर जी का और यहीं पे वो रामायण करते हैं, तो ये वहीं की अलमारी है, तो वहाँ पे भी मैंने कहा दिया जला दीजिए। और ये देखिए अब हम लोग छत पे जा रहे हैं, तो ऊपर में भी कुछ कुछ दिए रख देंगे। तो छत पे रंगोली बनी हुई थी इसलिए मैं थोड़ा डर डर के चल रही थी कि कहीं मेरा पैर ना पड़ जाए, और ये मैं यहाँ पे दिए रख दूँगी। तो ये देखिए ये तुलसी लगी हुई है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे दिया रख दिया मैंने। तो हवा थोड़ा चल रही थी इसलिए दिया बुझ जा रहा था, फिर भी मैंने कुछ कुछ दीपक यहाँ पे रख दिए हैं। और इसके बाद फिर मैं छत पे ही हर जगह पे दिए अच्छे से रख दूँगी, क्योंकि दिया छत पे जब जलाओ तो एक अलग सा ही मतलब लुक लगता है घर का, पर थोड़ा सा पास पास में होना चाहिए, पर यहाँ पे ऐसा बना हुआ है कि नीचे रखो तो होता नहीं है, तो ऐसे करके मैंने पूरे दिए रख दिए हैं। और फिर मुझे भी मस्ती सूझ रही थी, मतलब फ़ोटो खिंचाने का मन कर रहा था, तो मैं बार बार कभी ऐसे खींचो कभी ऐसे खींचो तो तो ये सब कुछ भी हो रहा था। तो साथ ही साथ फिर कहीं दिए किस दिए को हाथ में रख के ये सब कुछ ऐसे थोड़ी सी पिक्स खिंचवा ली मैंने। और ठीक है, इतने दिन बाद त्यौहार आता है, थोड़ा मस्ती भी करनी चाहिए। तो बस दिए हुए रखने के बाद हम लोग फिर नीचे जाएंगे, और उसके बाद फिर ऐसे करके, और ये मम्मी का घर है तो मम्मी के घर में आ गई, क्या है पास में ही है तो आती जाती रहती हूँ, है ना। तो वहाँ पे खाना वाना होने के बाद फिर थोड़ा सा बोले मम्मी से आने मिल लेते हैं, तो ये मम्मी के पास आ गई थी। तो मम्मी के पास मैं आई रही थी और अभिषेक ने कुछ नया नया क्रिएशन किया है, ये देखिए उसने दिए को ऐसे लटका दिया है, तो वही मैं देख के बड़ा मुझे आश्चर्य लग रहा था। तो यही सब कुछ हो रहा था और उसका एक वो बुझ गया था, तो मैंने कहा जला देती हूँ, बहुत ही मेहनत करता रहता है पर ठीक है उसका अलग ही चलता रहता है ना। तो इस तरह से हमारी दिवाली मनी, और आपकी कैसी रही बताइएगा ज़रूर, और मेरी यदि रंगोली आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ये देखिए माँ मेरी बैठी हुई है और मुझे मस्ती करने का बहुत मन करता है इनके साथ, तो ये देखिए मैं और मम्मा कहते हैं कि बहन बहन लगते हैं पर हस्बैंड मेरे बहुत ज़्यादा चिढ़ाते हैं हम लोगों को, तो ये देखो दोनों को। और ये मैंने जो दिए आपके साथ शेयर किए थे तो वो जल रहे हैं, अभिषेक उनको जला के रखा था, तो ये बहुत अच्छे लग रहे थे जब हमने हॉल की लाइट बुझा दी, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। मुझे लग रहा था जब कभी कैंडल नाइट डिनर करेंगे तो ये ज़रूर जलाएंगे। तो ठीक है फिर मिलते हैं, एक अच्छे से ब्लॉग की है इसलिए अब ना ये अपनी अंतिम सांसें गिन रही है अंतिम सांस से चल रही है, अब थोड़ी देर में ये बुझ जाएगी क्योंकि काफी देर से चल रही है, तो इसकी अंतिम सांस से चलने वाली है। और ये देखिए बस ये बुझने वाला है क्योंकि मैंने ऑयल बहुत कम डाला था, आप लोगों ने देखा था, फिर भी जितना ऑयल था उसके हिसाब से बहुत देर तक चली है। तो दिवाली के लिए तो बेस्ट, यदि आप दिया ही है ना, घर की लास्ट का यूज करो,